हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका GTA 5 के न्यू वीडियो में। गाइस, मैं काफ़ी दिनों बाद GTA 5 गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए मैं स्टोरी को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। माइकल के पीछे लॉर्ड गैंग के बंदे पड़े हुए हैं। जहां पर भी माइकल जाता है, लॉर्ड गैंग के बंदे माइकल के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसलिए माइकल अपने फ्रेंड के मैंशन पर आकर छुपा हुआ है। और माइकल के फ्रेंड का मैंशन ये रहा है ना, ओपी मैंशन। ये मैंशन जितना ओपी है, उससे भी ज़्यादा ओपी माइकल का फ्रेंड है, क्योंकि माइकल का फ्रेंड हमेशा पार्टी शार्टी करते रहता है और हमेशा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा टाइट है, कितने सारे बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। गाइज, माइकल ने अपने फ्रेंड को सब कुछ बता दिया लॉज गैंग के बंदों के बारे में, और माइकल के दोस्त ने सब कुछ सुना और कहा कि लॉज गैंग का जो चैप्टर है जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे हम लोग। फिलहाल 3-4 सिक्योरिटी गार्ड देने की बात की है माइकल के फ्रेंड ने माइकल को, बट गाइज उन गार्ड्स को आने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग उतने टाइम में ये जो मैंशन है अंदर से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलते इसे अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके बाद में जाएंगे हम लोग लेस्टर से मिलेंगे, और लेस्टर से मिलने के बाद में देखते हैं क्या करना है लॉज गैंग के साथ में। फिलहाल वो जो 3 है आने के लिए, जो जिसका जिक्र माइकल के फ्रेंड ने किया, उसका वेट करते हैं और अंदर चलते हैं। ये मैंशन को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में जाएंगे लेस्टर से मिलने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। एक बार अंदर जाते हैं और ये मैंशन अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। भाई साहब, अंदर घुसते ही 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ में, सामने की तरफ एक डोर मुझे दिख रहा है, मगर मुझे पता है कि ये जो डोर है बाहर की तरफ निकालने के लिए होगा। ओके, बाहर की तरफ ही जाने के लिए डोर है वो। बहुत सारे इसके अंदर रूम्स है और डोर्स है बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर ये डोर है तो सही, बट ये क्या है? मुझे लगता है कि डाइनिंग एरिया है ये, और किचन वगैरह, यहाँ पर खाना वगैरह खाते रहेगा माइकल का फ्रेंड और उसकी फैमिली। फिलहाल अंदर मुझे कोई भी दिख रहा नहीं है, कैसे ही दिखेगा यार, मैं कैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ। बाहर पार्टी चल रही है तो अंदर क्या ही करेगा कोई। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही अच्छा ओपी मैंशन है यार इसका। अभी चलते हैं ऊपर जाकर देख लेते हैं, ऊपर जाकर एक्सप्लोर करते हैं इस मैंशन को। ओके, तो गाइस फर्स्ट फ्लोर पर मैं आ गया हूँ और सामने मुझे एक डोर दिख रहा है, मैं इसके अंदर। ओ, लाइब्रेरी है ये, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है यार। मुझे लगता है कि ये ऑफिस है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस चेयर भी है और पैसे भी कुछ पड़े हुए। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ओपी बंदा है माइकल का जो ये फ्रेंड है न्यू, ये बहुत ही ज़्यादा ओपी बंदा है। सामने ही पैसे रखे हुए और यहाँ पर क्या है, ये क्या, ये भी एक अंदर रूम है। बहुत सारे रूम निकले हुए हैं यार, ये मुझे लगता है कि बालकनी खोलेगा ऊपर। नहीं, इसके अंदर भी एक रूम है, ये बेडरूम है, अंदर सेक्रेट बेडरूम है क्या ये? अंदर ये बेडरूम है, बाहर हॉल है, उसके बाहर भी जो है वो लिविंग एरिया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये घर है। ये मैं दोबारा ऑफिस में आ गया, सामने की तरफ एक और मुझे डोर दिख रहा था, ये मुझे लगता है कि वॉशरूम होगा। नहीं, मैं दोबारा बाहर आ गया। ओके, तो ये डोर को हम लोग ने चेकआउट कर लिया पूरा का पूरा। यहाँ पर सामने एक और मुझे डोर दिख रहा है, ये मुझे लगता है वॉशरूम होगा। ओके, तो ये भी वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है भाई। और 2 डोर मैंने चेकआउट कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पर एक और मुझे डोर दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये बालकनी की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं, देख लेते जाके। नहीं, ये भी जो है ये भी एक किस्म का रूम है, यहाँ पर बेड लगा हुआ है। चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और भी रूम्स हैं यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं, वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर एक और रूम है, इसमें मैं आके गया क्या? ऐसा एक जैसा ही लग रहा है, ऐसा पहले के लोग रहते थे ना, जैसे राजा महाराजा टाइप था, वैसे थीम का ही जो है ये मैंशन बनाया हुआ है। सामने की तरफ 2 और डोर है, वो भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक डोर है, वो तो वॉशरूम है। यहाँ पर एक और डोर है, ये भी बेडरूम है। बेडरूम के अंदर भी और डोर्स है क्या? नहीं नहीं, बेडरूम के अंदर और डोर्स नहीं है, अलमीरा वगैरह है। ओ भाई, माइकल क्या कर रहे थे, तो दोस्त देख लेगा। ओ शिट, माइकल गिर गया। यहाँ पर एक और डोर है, तो यहाँ पर भी देख लेता हूँ मैं। ये भी बेडरूम है, बेडरूम बहुत सारे बनाया हुआ है भाई, 4-5 बेडरूम तो मैं, 3-4 तो बेडरूम में देख ही चुका हूँ। ओ, एक और बेडरूम है, मतलब 4 या 5 अप्रॉक्स में देख चुका हूँ। आप लोग काउंट करके बता देना मुझे कमेंट के अंदर कि मैंने कितना बेडरूम देखा। यहाँ पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, डाइनिंग एरिया भी है, बहुत बड़ा सा, बहुत ही ओपी सा मैंशन है। अच्छा, ये वही है, यहाँ पर मैं आके जा चुका हूँ। ओके, बहुत ही ओपी सा मैंशन है। तो मैंशन हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब चलते हैं बाहर और जाते हैं लेस्टर से मिलते हैं, और देखता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि वो जो गार्ड्स आने वाले हैं वो गार्ड्स आए या फिर नहीं आए। अगर नहीं आए तो कितना टाइम लगेगा, मैं जाकर माइकल अपने फ्रेंड से अब बात कर लेता है। ओके, तो गाइस माइकल ने फ्रेंड के मैनेजर से बात कर लिया, और मैनेजर कह रहा है कि गार्ड किसी कारण नहीं आ सकते, बट फुल्ली बुलेट प्रूफ कार जो है हमारा वेट कर रही है फर्स्ट वाले गैराज के पास में,
पहले जो गैराज के पास में खड़ा था वो सेकंड गैराज था और ये रहा फर्स्ट गैराज। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कार दिख रही है मुझे। पहले तो एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मतलब चेकआउट कर लेता हूँ कार कौन सी है। टोयोटा की कार है और लैंड क्रूजर है, लैंड क्रूजर है भाई, बहुत ही ओपी कार है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो कार के अंदर बैठते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई गार्ड साथ में रहता, कोई सिक्योरिटी साथ में रहती तो ज़्यादा सा मज़ा आ जाता था, बट गार्ड नहीं है। बट क्या हो गया, अभी हमारे पास जो कार है ये बहुत ही ज़्यादा ओपी कार है। तो गाइस गेट ओपन हो गया, काफी टाइम ले लिया गेट ओपन होने के लिए। मुझे यहाँ से ओ शिट, कार की बोनी जो है वो हो गई, बट हमारी कार के ऊपर थोड़ा सा डेंट आया। बट उसकी कार जो है भाई यार, जैसे ही मेंशन से निकला और मेंशन से निकलते ही मेरे ऊपर हमला हो गया है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि लॉस्ट गैंग के जो बंदे हैं वो माइकल को देखते ही मतलब ढूंढते रहते हैं माइकल को कि कहाँ पर है माइकल, और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। भाई क्या ही दुश्मनी है इन लोगों की, पता नहीं है, पता समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही दुश्मनी है। ये दुश्मनी जो है वो कैसे ख़त्म होगी, उन लोगों को पूरा पूरी की पूरी गैंग को ख़त्म करूंगा मुझे लगता है, तब जाके जो है वो इनकी दुश्मनी ख़त्म होने वाली है। एक इनका मैंने नेटवर्क टावर, पूरा का पूरा नेटवर्क टावर जो है वो मैंने इन लोगों का उड़ा दिया, बट ये लोग जो है वो मुझे काफ़ी पीछे छूट गए हैं मुझे लग रहा है। ये लोग मैं घूम गए भाई, मेरे पीछे तो आ रहे थे बट ये लोग कहाँ गए क्या पता। एक बाइकर आ गया है ये, ओ शिट, नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे वेट नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दिया वेट करके, मुझे वेट नहीं करना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे पहले मार देता हूँ। एक काम कर देना, ये जो लॉज गैंग के बंदे जो अभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं इन लोगों को पहले मार देते, उसके बाद में जो है लेस्टर के पास जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे चलता रहा और लेस्टर का इन लोग वेट 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 आगे से भी घेर लिया मुझे इन लोगों ने। लेस्टर का ठिकाना अगर ये लोग देख लेंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और लेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं वेट करता हूँ आगे और अब आ जाओ भाई, यही है ना, मुझे लगता है कि मर गया होगा। और पीछे भी एक गाड़ी थी, ये भी है, ये भी जो है वो शहीद हो गया भाई, बाहर निकल के मार रहा है। कितनी कार थी यार, कितनी कार है, कितनी बाइक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बाइक तो मैंने उड़ा दिया और एक कार के बंदे को मैंने मार दिया। यहाँ पर भी एक बंदा आ गया, थोड़ा सा चेस करते हैं लोगों के साथ में। पहले इन लोगों को देख लेते हैं कि ये लोग की जो मतलब कितनी कार ये लोग लेकर आए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, माइकल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैं काफ़ी दूर तो आ गया, मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे जो है वो अच्छा खासा भाई एक और बाइक वाला आ गया। शिट 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 शिट, मुझे पक्का यकीन था कि एक और दो और जो है वो आने वाले, कितने लोग आएंगे अभी कुछ भी बता नहीं सकते हैं भाई। तो कार को भगाता हूँ थोड़ी देर, और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से लेस्टर के पास में चले गया तो लेस्टर का ठिकाना इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा और वो बाद में बहुत ज़्यादा हमले जो है वो तकलीफ देने वाले हैं। इस वजह से मैं लेस्टर के पास डायरेक्ट जा रहा नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों को मैं रास्ते ही में जो है वो निपटा दूँ, उसके बाद मैं लेस्टर के पास जाऊँ। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ थोड़ा टाइम कि उन लोग आते हैं, और उन लोगों को मैं काम करता हूँ ना, मैं उतर जाता हूँ यहाँ से। अरे आंटी आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खाली अपनी गन निकालने दो। ठीक है, ये गन जो है वो काफ़ी हो जाएगी उन लोगों के लिए। यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ। अबे भाई कहाँ छुप रहा है, कहाँ से आने वाले उन लोग कुछ भी बता नहीं सकते। अगर सामने से आए, एक बंदा तो आ गया, ये गया। भाई ये फुल्ली बुलेट प्रूफ की गाड़ी का क्या हाल हुआ है, आगे से पूरा का बंपर निकल चुका है भाई गाड़ी का। ओ शिट, मुझे तो लगा कि गाड़ी भी जो है वो बंद पड़ गई है, बट गाड़ी बंद नहीं हुई है, चल रही है, अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, बट आगे का पूरा बंपर जो है वो टूट चुका है। थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करते, कुछ लोगों को मैं मार दिया हूँ, कुछ लोग जो है वो अभी भी बचे होंगे, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। और मैं गाड़ी से पहले तो बाहर निकल जाता हूँ, यहाँ पर मुझे छुपने की, ये LSPD तो नहीं है ना, नहीं नहीं LSPD नहीं है, मुझे लगा कि LSPD, अगर LSPD होता तो भाई पहले हम लोगों को जमा कर लेता यहाँ पे खड़े खड़े। देखते हैं, वेट करते थोड़ा देर और, अगर कोई आया तो उसको यहाँ पर ही जो है वो गिरा देंगे मार के। खत्म हो गए क्या, और थे क्या, फिर खत्म हो गए, मुझे लगता है कि ये वही है। नहीं नहीं ये वो नहीं है, वो लोग लॉस्ट गैंग के बंदे खास करके ब्लैक कपड़ा पहनते हैं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जितने बार भी इनकाउंटर हुआ वो लोग ब्लैक कपड़े में ही दिखे हैं मुझे। मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गए लॉज गैंग के बंदे, एक बार पीछे जाके देख लेता हूँ, क्योंकि सेफ साइड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पीछे जाकर मैं देख तो रहा हूँ, बट यहाँ पर मुझे अब लॉस गैंग के बंदे नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि खत्म हो गए। एक बंदा तो यहाँ पर है, एक कार ये पड़ी है, दो या तीन या चार कार थी, मुझे कुछ काउंटिंग भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लगता है कि खत्म हो गए और जो बचे होंगे वो लोग भाग होंगे। अभी फिलहाल तो मेरे पीछे कोई भी नहीं, तो मुझे फुल रास्ता है, मतलब कि फुल चांस है मैं लेस्टर से जाके मिलूं, और लेस्टर से मिलने के बाद में आगे का प्लान जो है वो हम लोग बना सके कि इन लोगों को ख़त्म कैसे करना है। तो चलते हैं लेस्टर के पास में। अगर वो लोग मतलब लॉस्ट गैंग के बंदे अगर मुझे रास्ते में मिलेंगे तो मैं रास्ते में ख़त्म कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि लॉस्ट गैंग के बंदे लेस्टर तक ना पहुंच पाए। ओके, तो गाइस मैं लेस्टर से आके मिला और रास्ते में मुझे लॉस गैंग के कोई भी बंदे नहीं मिले। फिलहाल मैं अभी फ्रैंकलिन एज अ फ्रैंकलिन प्ले कर रहा हूँ और माइकल जो है वो आगे चल रहा है। अभी लेस्टर ने एक प्लान बनाया हुआ है, लेस्टर ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बनाया हुआ है। तो चलते हैं ज्वेलरी शॉप को लूटते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि अब रास्ते में जबकि हम लोग दूसरा कुछ मिशन करने जा रहे हैं तो रास्ते में हमें लॉस गैंग के बंदे ना मिले। तो चलते हैं अब ज्वेलरी शॉप के ऊपर और ज्वेलरी शॉप को लूटते हैं। फिलहाल मैं अभी एज अ फ्रैंकलिन खेल रहा हूँ और ये दोनों बंदे हमारे साथ में हमारा साथ देने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों को जो अभी काउंटर हुआ था, मतलब अभी जो फाइट हुई थी लॉस्ट गैंग के साथ में, वो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो अब चलते हैं ज्वेल स्टोर के पास में, और साथ में जो आप वैन देख रहे हो, ये वैन भी हमारी मदद करने वाली है। अब ये क्या मदद करने वाली है अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो अब वहाँ पर जाके ही पता चलने वाला है कि ये वैन हमारे लिए क्या करने के लिए जा रही है, वैन का क्या काम है, अभी वो खुद भी आइडिया नहीं है। तो अब चलते हैं ज्वेल स्टोर पर चोरी करने के लिए। भाई पुलिस वाला आगे चल रहा था, अच्छा हुआ कि मेरी ब्रेक बहुत अच्छी है, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने ब्रेक मार दिया। ओह शिट, हल्का सा टच हो ही गया, गलती मेरी थी, मैं ही रॉन्ग वे से जा रहा था, इस वजह से थोड़ा सा टच हो गया। माइकल कुछ तो भी पका रहा है फ्रैंकलिन को, उन लोगों को बात करने देते हैं। हम लोग अपने गेम प्ले के ऊपर ध्यान देते हुए चलते हैं, और बहुत ही अच्छा कट लगाया मैंने उसके ऊपर। आप लोगों को मेरी ड्राइविंग कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और यार भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, इस वजह से आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। चैनल के ऊपर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। बस मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है, और देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं उस ज्वेल स्टोर के आसपास में, तो पहुंच चुके होंगे। ओके, तो सामने ही मुझे जो है वो लोकेशन दिख रही है जहाँ पर मुझे रॉब करना है। लेस्टर का प्लान है, और लेस्टर का प्लान जो है वो बहुत ही ज्यादा ओपी रहता है। मैंने लेस्टर को बताया उस लॉस्ट गैंग के बारे में, उसे पता ही था, फिर भी मैंने उसे आज के बारे में बताया कि उन लोगों ने आज फिर हमारे ऊपर हमला किया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ गए। लेस्टर ने लॉस्ट गैंग का प्लान बना के रखा है, बट उसके पहले हम लोगों को यहाँ पर चोरी करना है। भाई माइकल जो है वो एकदम फुल ऑन रेडी, और दो बंजे जो पीछे बैठे हुए थे वो लोग भी फुल ऑन रेडी है। Seconds के अंदर हमें सारा का सारा ये सोना यहाँ से चोरी करना है, और यहाँ पर भाई ये कौन था गधा जो आधा लूटा आधा लूटा ही नहीं, पीछे के साइड में भी कुछ है। तो ये 90 सेकंड के अंदर आप लोगों को क्या लगता है, मैं सब पूरा कुछ लूट पाऊंगा या फिर नहीं लूट पाऊंगा? आगे भी सामने भी कुछ दिख रहा है मुझे, तो ये भी लूट लेता हूँ फटाक से। कुछ कुछ बचा हुआ यहाँ पर भी है। कितना सेकंड बचा है यार, कुछ कितने सारे पैसे इन लोगों ने चोरी कर लिए यार। यहाँ पर अगर नीचे देखोगे ना, ग्रीन कलर के अंदर जो मनी है वो कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि हो चुका है सब कुछ, यहाँ पे एक दो बचा हुआ है, बट कहाँ पर है? ओके ये रहा, यहाँ पर है कुछ तो। चलो हम लोगों ने सारा जो भी था यहाँ पर वो सब चोरी कर लिया, और फ्रैंकलिन इसे भटका के रखा हुआ था, और माइकल ने इसे डाउन कर दिया। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया भाई ये मिशन करने में, चोरी करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अब हमें बाइक लेके निकलना है, और मिशन के बीच में लॉस्ट गैंग के बंदे नहीं आना चाहिए बस, वरना पूरा का पूरा मिशन जो है वो खराब होने वाला है। भाई इतनी बड़ी चोरी करे फिर भी 4 स्टार की पुलिस लगी हुई है हमारे पीछे, मुझे लगा था कि 5 तो लगना ही चाहिए था। भाई बेइज्जती हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो हम लोग जो प्लान किए थे हम लोग
टनल के अंदर चले जाएंगे, तो टनल के अंदर हम लोग सेफली पहुंच चुके हैं। इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि पुलिस आ भी पाएगी। ओके, तो आगे से ब्रिज, हाँ ब्रिज दो भाग में डिवाइडेड है ऐसा इंस्ट्रक्शन मुझे मिला था और मैंने अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। अब ये टर्नल कहाँ तक जाने वाली है यार, बहुत ही ज्यादा बड़ी टर्नल है। ओके, तो मुझे लेफ्ट लेना है। मुझे जो इंस्ट्रक्टर है, मेरा जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा ओपी बंदा है भाई। पहले बता दे रहा है कि आगे क्या आने वाला है, लेफ्ट आने वाला है, डिवाइड होने वाला है टर्नल, सब कुछ जो है वो अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रहा है मुझे। ओके, तो ठीक है, भाई की तरफ में हमारे कुछ और बंदे हमारा वेट कर रहे हैं। ओपी, तो ये रहा वो ट्रक, और ये ट्रक का क्या काम था मुझे पता चल गया। मुझे इन लोगों को मार मार के गिराना है, और वो जो बाइकर्स चल रहे आगे वो बाइकर्स लोग को बचाना है मुझे। बाइकर्स के अंदर एक तो फ्रैंकलिन है, और दो बंदे जो मेरे साथ में पीछे बैठे हुए थे ना वैन के अंदर, वो दो बंदे हैं। और ये जो लेडी है, ये लेडी है या फिर माइकल है, माइकल होगा, अब देखना है तो मुझे आगे से देखना होगा। ओके, तो माइकल और लेडी है, जो हमारे साथ में लेडी थी ना वो लेडी है, और हाँ माइकल और लेडी है। ओके, तो जितनी भी यहाँ पर पुलिस की कार आएगी मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना है, बस मेरा इतना सा काम है। ऊपर से ट्रेन जा रही है, क्या मस्त लग रही है, अगर नहीं देखे तो रिवर्स करके देख लेना, बहुत अच्छा सीन था। ओके, तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोगों ने सारे कॉप्स को क्लियर कर दिया है। अब इन लोगों को इस गाड़ी के अंदर अपनी बाइक डालनी है, फुल ऑन धूम वाला सीन था ना ये। लेस्टर्स अराउंड द कॉर्नर एट द लॉकअप। ओके, तो ठीक है, अभी हमें लॉकअप के पास जाना है, वहां पर हमारा वेट कर रहा है लेस्टर, और लेस्टर से मिलेंगे, और ये जो वैन है इसे छुपा देंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक में ही है, तो हम लोग वहाँ पर मुझे लगता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। बस मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है, आगे से जाके यू टर्न लेना है। और ये जो ज्वेलरी की जो भाई चोरी हुई है, इतनी आसानी से किए ये लोग, एकदम प्रोफेशनली। तो बस मुझे, अरे यार ये कार क्या ही कर रहा था, आखिर में ठूक गया। ये रहा लेस्टर। ओके, तो सक्सेसफुली हम लोगों ने ये चोरी को अंजाम दे दिया है, अब चलते हैं लॉस्ट गैंग का खात्मा करने। ओके, तो गाइस स्टोर में चोरी करने के बाद में माइकल और लेस्टर दोनों मिलकर मीटिंग किए, और लेस्टर ने माइकल को बताया कि लॉस्ट गैंग के बहुत से बंदे यहाँ पर छुपे पड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर जाना चाहो, जो आप सामने वाटर टैंक देख रहे हो इसके ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद में रात होने का वेट करना है, और रात होने के बाद में यहाँ पर बहुत से बंदे आने वाले हैं लॉस्ट गैंग के। तो ये रहा वाटर टावर, और मेरा साथ देने वाला है इस मिशन के अंदर रॉन, तो रॉन भी हमारे साथ में है, और बस मुझे ऊपर जाकर वेट करना है रात होने का। ओके, तो गाइस यहाँ पर रात होने लगी है, बहुत जल्दी जल्दी टाइम चला गया, रात हो गई है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हो वेयरहाउस, उसके अंदर आने वाले हैं लॉस्ट गैंग के बहुत से बंदे। ये रॉन वहां पर जा रहा है, और रॉन वहां पर जाके मुझे बताएगा कि कितने बंदे हैं। मुझे रॉन को भी प्रोटेक्ट करना है, रॉन वहां पर जाएगा और मुझे रॉन को प्रोटेक्ट करते हुए आगे लेके जाना है, मतलब इसके अंदर जाएगा रॉन। You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure. तो ये रहा रॉन, कार्टून गिरी कर रहा है वहां खड़े होके। बस मुझे यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करते हुए ये अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में उनकी लोकेशन बताएगा, हो सकता है कि बॉम्ब वगैरह भी लगा दी है। और ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा है सामने, तो मैं इसे डाउन कर दूंगा ताकि ये रॉन को देख ना सके। रॉन कहाँ गया, ये रहा रॉन। रॉन किधर चला गया, और कोई बंदा दिख रहा है यहाँ पर, कोई
एक गाड़ी आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी लाइट थे मैंने सभी को फोड़ दिया हूँ। एक गाड़ी यहाँ पर आ रही है। रॉन किधर है यार? रॉन की लोकेशन मुझे नहीं मिल रही है। रहा रॉन, ओके ठीक है, ये गाड़ी यहाँ पर ही आई है। मैं चाहूँ तो अभी इसे मार सकता हूँ, मगर अभी मार दूंगा तो ये जो लॉस्ट गैंग का बंदा है, देखो यहाँ पर इसकी गाड़ी पे द लॉस्ट लिखा भी है, तो ये लॉस्ट गैंग का जो बंदा है वो इसके ऊपर ही गिरेगा और हॉर्न बज जाएगा और इनके जो अंदर वेयरहाउस के अंदर जितने ही बंदे वो सब जो है वो अलर्ट हो जाएंगे, तो हमारा प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। पहले इसे बाहर निकल लेते। ओके तो बाहर निकल गए और इसके सीधा हेडशॉट पड़ा और ये मर गया। ऊपर भी एक बंदा दिख रहा है मुझे, इसे पहले रुकने देते। कंट्रोल टावर के ऊपर भी जो बंदा था उसको मैंने मार गिराया। ये भी लॉज गैंग का ही बंदे, सभी लॉज गैंग के बंदे, जितने भी लॉज गैंग के बंदे सब के सब ब्लैक कलर का द लॉस्ट लिखा हुआ जैकेट पहनते। ये रहा रॉन, क्या बोल रहा है यार ये। एक बंदा और आया, इसे भी मैंने मार गिराया। इसे भी मैं फोड़ देता हूँ ताकि और अंधेरा हो जाए वहां पर। ऊपर ओके तो ये शायद से मुझे बुला रहा है वहां पर। नहीं नहीं बुला रहा नहीं है, मुझे यहां से इसे प्रोटेक्ट करना है। कहां से आ रहा है भाई बंदा? ये रहा, मिस हो गया था, मिस हो गया था एक शॉट। एक और बंदा निकला इधर से, बाहर आ बाहर आ बाहर आ बाहर आ, थोड़ा सा बाहर आ जा बस, यहां से मारूंगा तो लगेगा नहीं शॉट। बाहर आया, ये भी डाउन। ये रहा रॉन, थोड़ा देर और वेट करते हैं। ओह शिट, एक और बंदे आए, कुछ बंदे और आ गए। इसको यहाँ पे ही डाउन कर देता हूँ मैं। अरे रीलोड लग गया यार, रीलोड लग गया था, अच्छा हुआ उसने देखा नहीं इसको। हेलीकॉप्टर भी आ गई है, हेलीकॉप्टर को भी मैं फोड़ देता हूँ अभी। एक ही फटके में हेलीकॉप्टर जो है वो डाउन। ओके तो गाइस वहां पर जो हेलीकॉप्टर अभी ब्लास्ट किया है मैंने, अब चलते हैं रॉन के पास में, और रॉन के पास जाने के बाद में वहां पर एक प्लेन है, वो प्लेन हम लोग चोरी करके निकलेंगे यहां से। मुझे लगता है कि मैंने काफी लोगों को मार गिराया हुआ है। ओह शिट, यहां से कोई बंदा था। मेरी गन क्यों नहीं चेंज हो रही है भाई? मेरी गन ही नहीं चेंज हो रही है। Give up the guns and we can be friends again. एक बुलेट में जो अभी मैंने गिराया था ना, यही है वो यही हेलीकॉप्टर है वो, तो मैं अंदर आ चुका हूँ। मेरी गन खाली चेंज हो जाए बस। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों से गन लेना पड़ेगा। एक बंदा इसके अंदर छुप के बैठा है, यहां से भी कोई एक फायरिंग कर रही है। रहा भाई मर गया, फिर भी मारे जा रहा है यार ये। कहाँ यार बंदा? अभी भी दिख रहे हैं मुझे, अभी भी गोली चल रही है। रात रिलोड लग गया यार, शिट, बहुत गलत टाइम पे रिलोड लगा था। मेरी गन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, शिट। अब तो मैं इन लोगों को मार भी नहीं पा रहा हूँ। Go to the plane, okay, ठीक है। चलो प्लेन पे चलते हैं। Please load up with crates, Trevor, just like you said.
Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Let's go, Ronald. बहुत बढ़िया. अब जो भी आएगा मुझे प्लेन पे से मारना पड़ेगा. पता नहीं क्या हो गया था, मेरी बुलेट जो है वो चल रही नहीं थी, मेरी गन जो है वो चल रही नहीं थी. शायद से मेरी बुलेट खत्म हो गई थी या फिर क्या हुआ था पता नहीं मुझे, बट मैं ना ही गन चेंज कर पा रहा था. ये जो लगा हुआ था ना इधर पे, मैंने इसे ब्लास्ट कर दिया. जो इन लोगों का जो है इकोनॉमी का बहुत बड़ा जरिया था, ये बेच कर ये लोग गन वगैरह लेते थे, गाड़ी वगैरह लेते थे. अब वो जो है वो ब्लास्ट हो चुका है. सामने की तरफ से एक और लॉज गैंग का गाड़ी आ रहा था और उसको मैंने ब्लास्ट कर दिया. सामने की तरफ भी एक प्लेन खड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुझे उस प्लेन पे जाना है क्या या फिर इसी प्लेन पे रहना है. ओके तो गाइस, लॉज गैंग के सारे बंदों को हम लोगों ने मार गिराया है और ये जो आप प्लेन देख रहे हो ये उन्हीं का प्लेन है. वो दोनों ही प्लेन उन्हीं का ही है और वो दोनों प्लेन हम लोग चोरी करके वहां से निकल चुके हैं फाइनली. सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतनी. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और गाइस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आज के वीडियो में आप लोगों को कौन सा सीन सबसे ज्यादा ओपी लगा है. सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय बाय.